राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत राजस्थान के 6 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि जिन शाखाओं को पर्याप्त समय हुआ है, उन शाखाओं को समाज परिवर्तन के लिए समाज हित में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। पूजनीय सरसंघ चालक जी का राजस्थान क्षेत्र का वार्षिक 5 दिन का प्रवास प्रारंभ हुआ है। आज क्षेत्र की कार्यकारिणी, क्षेत्र अर्थात राजस्थान की और तीनों प्रांतों की टोलियां अर्थात उसमें प्रांत संघ चालक, प्रांत कार्यवाह और प्रांत प्रचारक, ऐसा सबकी बैठक हुई। और चूंकि शाखाओं का काम बहुत तेज़ी से अपने राजस्थान में प्रसार हो रहा है, और इसलिए सभी स्वयंसेवक और शाखाएँ समाज में उपक्रमशील बने, अर्थात समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसे समाज सेवा के उपक्रम अधिक से अधिक चलाएं। राजधानी जयपुर में साझी विरासत बचाओ सम्मेलन का तीसरा चरण कांग्रेस की ओर से आयोजित हुआ। सम्मेलन में मौजूद सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। पुलिस ने जो लोग नामजद थे उनको एक तरह से बरी कराया है, ये बड़ा एक गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो लोग इसे संतुष्ट नहीं हैं, और न्याय हर एक को मिले ये हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस वातावरण में शायद न्याय को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है दोषियों को पकड़ा जाए। उस व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, कैमरे में सब कैप्चर है, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उससे बड़ी चिंता की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। सर, 50,000 कर्ज की माफी के लिए कमेटी, पहली बात तो मैंने पहली बार सुना है। तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता अगर मुल्क ही नहीं बचेगा। मुल्क को बचाना है तो हमारी साझा विरासत की बचाव की जरूरत है। बिना उस साझा विरासत को बचाए हुए ये मुल्क नहीं बचेगा। तो ये कोई चुनावी गठबंधन ही नहीं, इससे कई गुना आगे है, ये देश को बचाने की बात है। चुनाव के समय आएंगे तब गठबंधन होंगे, जब जो भी होगा वो होगा वो समय, लेकिन आज जो मुद्दा है इस साझा विरासत बचाव के लिए जो इस तरीके के सम्मेलन हो रहे हैं पूरे देश भर में, वो है पहले हमारे भारत को बचाएं। प्रदेश बीजेपी ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर व्यू रचना तैयार कर ली है। व्यू रचना तैयार करने को लेकर पार्टी की मंथन और चिंतन बैठक आयोजित हुई। जयपुर के एक होटल में 6 घंटे तक विभिन्न मसलों पर मंथन हुआ, जिसमें आगामी चुनाव के साथ ही हाल में होने वाले उपचुनाव और बूथ स्तर की कार्य योजना, विस्तारक योजना पर भी बात हुई। हमारी द्वितीय बैठक थी, पहली बैठक 10 मई और 11 मई को हमारी हुई थी, आज ये दूसरी बैठक थी। इस बैठक के माध्यम से विधानसभा का चुनाव 2018 और लोकसभा का चुनाव 2019 और अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं अजमेर लोकसभा का और मांडवगढ़ विधानसभा का, इन सबके बारे में चर्चा हुई। पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसके साथ साथ क्या क्या कार्यक्रम हम निरंतर 2018 तक जो हमारे चुनाव होंगे किस प्रकार से लेंगे। जयपुर प्रवास पर आए सीपीआई नेता अतुल कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अतुल कुमार ने कहा कि मोदी को खोखले दावों की असलियत 3 साल के केंद्र सरकार के शासनकाल के बाद साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि राम रहीम मामले में जो नुकसान हुआ उससे पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है। जयपुर राजभवन में लोकायुक्त एसएस कोठारी, प्रमुख सचिव पद्म कुमार जैन ने राज्यपाल कल्याण सिंह को 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। लोकायुक्त सचिवालय में इस साल 6,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया। साथ ही माथुर आयोग से संबंधित 1,850 मामलों में से 1,700 मामलों का निस्तारण किया गया। शहर में अवैध निर्माणों को चिन्हित कर 600 मामलों का न्यायालय में चालान पेश किया गया। वर्ष के जो कार्यकलापों की रिपोर्ट है वो माननीय राज्यपाल महोदय का मैं प्रस्तुत करनी होती है, उसी अनुक्रम में 1/4/2016 से 31/3/2017 तक का जो हमारे यहाँ का कार्य का पूरा प्रतिवेदन था वो माननीय राज्यपाल महोदय को हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसमें वो सारा कार्य वृत्तांत सम्मिलित था जो हमने इस पूरे वर्ष के दौरान किया है। इस वर्ष के दौरान लगभग 5,400 शिकायतें हमें प्राप्त हुई और लगभग 6,000 शिकायतों का
निस्तारण किया। राजस्थान के जयपुर में पिछले 14 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन थम गया है। वसुंधरा सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली है। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार दो दिनों से चल रही बातचीत के बाद आखिरकार किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई। किसानों के तेज और आक्रामक आंदोलन के कारण वसुंधरा सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान करना पड़ा। हालांकि वसुंधरा सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्ज माफी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के किसानों के कर्ज माफी प्रक्रिया का अध्ययन कर एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। मैं वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने राजस्थान में पहली बार आजादी के 70 वर्षों में किसानों के कर्जा माफ करने का जो जिस प्रकार का एक मिशन बनाकर जो डायरेक्शन हम लोगों को दिए हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उधर किसान संगठन ने भी बैठक के बाद अपनी मांगे पूरी होने पर संतुष्टि जताई है, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम का फैसला वापस ले लिया है। 50,000 तक का कर्जा किसानों का माफ करने की सहमति राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वार्ता में बनी है। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए वो स्टडी करके एक हाई पावर कमेटी होगी जिसमें किसान सभा की प्रतिनिधि होंगे उसको लेकर के। और मैं समझता हूँ 50,000 हर किसान का कर्जा माफ करेंगे तो राजस्थान के किसान को भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी में सहायता राजस्थान सरकार के। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस निर्णय को राज्य सरकार का सराहनीय कार्य बताया है। सभी किसानों से वार्तालाप हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने तुरंत इनकी सबकी बातचीत सुनी, बातचीत सुनकर के उस पर निर्णय लिया और निर्णय के क्रियान्वयन के लिए एक हाई पावर कमेटी का निर्माण की उसने घोषणा भी की। मैं सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 12 दिन तक शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन किया। सरकार की इस घोषणा से शेखावटी संभाग में काफी राहत मिली है और वहां पे कई दिनों से चल रहे महापड़ाव और चक्का जाम को भी फिर से शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। जयपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर जयपुर के वेस्ट क्षेत्र से एक अच्छी खबर है। डीसीपी वेस्ट अशोक गुप्ता के प्रयासों के कारण वेस्ट जिले का क्राइम ग्राफ काफी कम हुआ। पिछले साल अगस्त महीने की तुलना में इस साल के अगस्त माह तक कुल 19% आईपीसी क्राइम में कमी आई है। अरे वेस्ट जिले में यदि हम हेडवाइज बात करें तो वेस्ट जिले में पिछले 8 महीने अगस्त तक का हम क्राइम का एनालिसिस करें और इसको हम पिछले साल के अगस्त तक के आंकड़ों से तुलना करें तो इस साल हमारे हत्या के मुकदमों में 6% की कमी है, हत्या के प्रयास के जो मुकदमे हैं उसमें 25% की कमी है, लूट के मुकदमों में 44% की कमी है, व्यपहरण और अपहरण के मुकदमों में 30% की कमी है, बलात्कार के मुकदमों में 41% की कमी है, नकबजनी के मुकदमे 43% की कमी। जीएसटी के दायरे से अलग रखी जा रही पेट्रोल डीजल की दर रोजाना तय करने की व्यवस्था लागू हुई है, जिसके बाद जनता के साथ पेट्रोल पंप संचालकों को भी ये व्यवस्था रास नहीं आ रही। जहां लोग रोजाना भाव जानने के लिए परेशान नजर आते हैं, वहीं पेट्रोल पंप संचालकों की अपनी मुश्किलें हैं। दोनों ईंधनों की कीमत 3 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में हुई वृद्धि का असर है, विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम जल्द कम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हित का पूरा ख्याल रखेगी। क्या लगता है आपको ये जो पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं इसको लेकर क्या कहना है आपको? इसको लेकर ये कहना है कि पहले के अकॉर्डिंग जो हमारी डॉलर की रेट थी उसके अकॉर्डिंग पहले 109 थी, तब डॉलर के रेट थे 109, तब रेट थी हमारा कुछ 57 करीब पेट्रोल का, और अब डॉलर की रेट है 67 अप्रॉक्स और पेट्रोल की रेट 71।
That's too high. कि पेट्रोल और डीजल में जो इतनी ज्यादा रेटें बढ़ी हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जहां पर 2013 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये थी और डीजल पे 3.56 रुपये थी, आज केंद्र सरकार ने यही एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 21.25 रुपये के लगभग और डीजल पे 17.5 रुपये के लगभग कर दिया है। ग्राहकों के लिए ज़्यादा सिंपल होगा ये जानना कि टैक्स की गणित क्या है और पेट्रोल डीजल के असली दाम क्या है। आज पेट्रोल जयपुर में 73 रुपये लीटर बिक रहा है, जिसकी कीमत अगर देखें तो 38.70 रुपये होनी चाहिए। 34.30 रुपये केवल सरकारों को टैक्स के माध्यम जा रहे हैं। काफी दिनों से जिस नोट का इंतजार हो रहा था वो लॉन्च हो गया है। 250 के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में जारी किया है। इस बीच आरबीआई के बाहर नोट लेने के लिए लोगों के बीच हमारी संवाददाता महिमा पहुंची और जाना उनसे किस तरह का उत्साह है। बाजार में 2000 और 500 के नए नोट के बाद अब 200 और 50 के भी नए नोट आ चुके हैं, जिसको लेकर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद बाहर लंबी कतार लगी है इन नोटों को लेने के लिए। आप देख सकते हैं ये जो लंबी कतार है पिछले कई घंटों से यहाँ खड़ी है 200 और 50 के नए नोट लेने के लिए। वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अंदर से 200 और 50 के नए नोट लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये 200 और 50 के जो नए नोट आए हैं उनसे उनको किस तरह का फ़ायदा मिल पाएगा। मैडम फ़ायदा तो क्या है, वो उतने में ही चलेंगे, बस ये है नया नोट का इंटरेस्ट थोड़ा वो है। अभी बाजार में पहले 200 का नोट नहीं था तो अब नई करेंसी आई है 200 की, तो किस तरह का मतलब नहीं दिक्कत ही रहेगी बाजार में। तो एक तो इतनी करेंसी आदमी बड़ा व्यापारी परेशान रहेगा, कितने अलग अलग वैल्यू के नोट हो गए तो बल्कि परेशानी रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो ये तो थे जिन्होंने अंदर से 200 और 50 के नए नोट लेकर आए, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आएगी। वहीं लंबी कतार में कुछ लोग खड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर 200 और 50 के नए नोट जो आए हैं वो उसको लेने के लिए कितने उत्सुक है और कितने देर से यहाँ लाइन में खड़े हैं। कितनी देर से लाइन में? मैडम 2 घंटे हो गए कम से कम लाइन में लगे हुए। मैडम ये परेशानी आ रही है कि यहाँ से एक एक दो दो आदमी को भेज रहे हैं और अपने स्टाफ वाले को पहले ले रहे हैं उनको नोट, मतलब पहले से दे रहे हैं, मतलब पहले अपने स्टाफ वाले को नोट दे रहे हैं, बाद में मतलब लाइन वाले तो गए बाहर में। जानकार को पहले ले लेते हैं और हमें कहा क्या था 1 घंटा हो गया, बोले 5-5 आदमी भेजेंगे, अब 1.5 घंटा हो गया हमें खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो लंबी कतार में पिछले 1 से 1.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन नोटों का इंतजार इनको कब से जारी है। कैमरा पर्सन सुरेश थानिया के साथ महिमा मंत्री, न्यूज इंडिया जयपुर। राजस्थान के गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड GCL को किसान प्रगति अवार्ड से सम्मानित किया गया। NCDX की ओर से आयोजित समारोह में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मानित किया। गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड को हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ NCDX में, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी और रामविलास पासवान जी थे। उनकी उपस्थिति में अर्जुन राम मेघवाल जी ने हमें ये पुरस्कृत किया है किसान प्रगति अवार्ड। ये हमें इसमें जो कैटेगरी थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए हमें अवार्ड मिला है, जो कि वेस्ट रीजन में इन्होंने हमें रिकग्नाइज किया है। राजस्थान में करीब हमारे अभी 3 ब्रांचेज हैं और चौथी रिसेंटली हमने अभी 2 जगह और हम फॉर्म कर रहे हैं, कोटा और बीकानेर। हिंदी दिवस के मौके पर गुरुवार को JKK में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से राज्य स्तरीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी रहे। इस दौरान देवनानी ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सभी को संकल्प दिलाया कि सभी अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें, साथ ही टिप्पणी भी हिंदी में ही किया करें। हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हम प्रतिवर्ष 1953 के बाद से लगातार हिंदी भाषा दिवस मना रहे हैं। और मैं तो कई बार कहता हूँ ये भाषा दिवस की जगह भाषा समारोह कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी भाषा जो विश्व की सबसे बड़े अधिकांश लोगों के बोलने वाली भाषा है, उस पर हम गर्व की अनुभूति करें कि वो मेरी मान्यता है, हमारी पहचान, हमारी भाषा और संस्कृति के आधार पर है।
जयपुर के झलाना स्थित ललित कला अकादमी परिसर में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जनगण मन में हिंदी विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान ललित कला अकादमी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से 85 छात्रों ने हिस्सा लिया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ही ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मिलकर ये एक प्रयास किया कि कुछ साहित्य और ललित कला का एक समायोजन हो सके। और इस निमित्त सवेरे के समय आज एक व्याख्यान रखा था, वार्ता रखी थी, जिसमें राजेश व्यास जी आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कला और साहित्य और हिंदी भाषा में क्या अंतर संबंध है उस पर बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया। अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग 80-85 विद्यार्थी हैं, आर्टिस्ट हैं, इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मगर कलाकार हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।